गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। ओके सो स्टूडेंट, व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली देन द डिवाइजर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। अगर कोई नंबर किसी अनदर नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो जो उसका डिवाइजर होता है वो डिविडेंड का फैक्टर कहलाता है। समझ में आई? जैसे कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर लेते हैं तो वो जो उसका डिवाइजर होता है, डिवाइजर तो सबको मालूम है कौन सा होता है, वो डिवाइजर उसका फैक्टर कहलाता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल वी नो दैट 4 डिवाइड्स 12 एग्जैक्टली। 4 जो है वो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। 4 थ्री ज़ा 12 होते हैं, सो स्टूडेंट 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। वी नो दैट 7 डिवाइड्स 35 एग्जैक्टली। सबको मालूम है 35 जो होता है वो 7 से डिवाइड हो जाता है, सो 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 35। वी नो दैट 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। क्लियरली ईच वन ऑफ 8 एंड 9 डिवाइड 72 एग्जैक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 एंड 9 72 को डिवाइड, दोनों ही नंबर 72 को डिवाइड कर सकते हैं, सो ईच वन ऑफ 8 एंड 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 72। ओके स्टूडेंट, समझ में आया फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर कोई दूसरा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है सो जो उसका डिवाइज़र होता है वो उस डिविडेंड का फैक्टर कहलाता है। और हमें जब जब जिन जिन के टेबल्स में मालूम होगा कौन 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 नंबर किससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सबके समझ में आ गया? नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। सो योर वन फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एवरी नॉन ज़ीरो नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। कोई सभी नॉन ज़ीरो नंबर के लिमिटेड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5, 7। वी नो दैट 1 से भी हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं, 3, 5 ज़ा 15 होते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5, 3 ज़ा 15 होते हैं एंड 15, 1 ज़ा 15। तो ये सारे ही आपके 15 के फैक्टर्स हो गए। नंबर टू, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। 1 जो होता है हर एक नंबर का फैक्टर होता है और ये उस नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। लाइक 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 6, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 17। नाउ योर थर्ड प्रॉपर्टी इज़ एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। सभी नॉन ज़ीरो नंबर जो होते हैं वो उसके लार्जेस्ट फैक्टर होता है। लाइक 16 इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 16। किसी भी नंबर को हम उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, सो वो कोई भी नंबर अपना उस नंबर का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर होता है। नाउ योर फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ज़ीरो। सभी नॉन ज़ीरो नंबर ज़ीरो के फैक्टर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ़ 0, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ़ 0 एक्सेट्रा। नाउ योर फर्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ वी नो दैट डिवीज़न बाय 0 इज़ मीनिंगलेस। 0 से डिवीज़न जब हम करते हैं तो उसका वो मीनिंगलेस होता है। 0 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता। नाउ 6 इज़ एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ईदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर का जो फैक्टर होता है वो या तो उससे लेस देन होता है या उसके इक्वल होता है। समझ में आ गया सबके इतना? स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 19। सो योर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42। हमें क्या करना है यहाँ पर, 42 के सारे फैक्टर्स बताने हैं। सो स्टूडेंट वी हैव, हमने आपको एक रूल बताया था, को 1 जो होता है वो सभी नॉन ज़ीरो नंबर का फैक्टर होता है। सो हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। वी कैन राइट 42 इज़ इक्वल टू 1 × 42। 1 के टेबल में आ जाता है 42। अब हम 2 के टेबल से ट्राई करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे 42 इक्वली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो 42 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 से। सो योर सेकेंड फैक्टर इज़ 42 इज इक्वल टू 2 × 21। 2 × 21, ये दोनों नंबर्स लिख लेते हैं। 2 की हम जब 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सो हमारा 42 आएगा। नेक्स्ट अब हम 3 की टेबल में देख लेंगे 42। ऐसे नहीं करके देखेंगे, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। हमें जिस भी नंबर से देखना होता है हम उस नंबर से डिवाइड कर लेंगे कि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जब हम 3 से 42 को डिवाइड करेंगे सो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 4 − 3 = 1, 2 नोट कर लिया ऊपर से, 3 × 4 = 12। पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो गया कितने टाइम्स में हुआ, 14 में। सो वी विल राइट 3 × 14।
अब किसके टेबल से देखेंगे, 4 के टेबल से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 5 के टेबल से? नो। 6 के टेबल से हो सकता है क्या? 6 के टेबल में 42 आता है ना, 6 7 42। इट कैन बी रिटन एज 42 इज इक्वल टू 6 × 7। अब देखिए ऐसे ही हमारे 1 के टेबल में आ सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है एंड 6 से हो सकता है। क्या 7 के टेबल से हो सकता है, 8 से, 9 से, 10 से? अब किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारे यही सारे इसके फैक्टर्स हो गए। हैंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42 इज, ये होते हैं फैक्टर्स। तो हम लिख लेंगे 1, देन 2, देन 3, देन 6। ये वाले नंबर्स भी इसके फैक्टर्स होते हैं। जब हम इनके इनसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये 42 आ रहा है, जब इनके इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तब भी 42 आएगा। तो ये हो जाएगा 7, ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं 14, 21 एंड देन 42। समझ में आया कैसे फैक्टर्स निकालते हैं? कोई, हमने आपको बताया अभी एक्सरसाइज में कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कि जब कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। सो हमें यहाँ पर इसके सारे फैक्टर्स लिखने थे। सो हमने 42 को देख लिया, 1 जो होता है सभी नॉन ज़ीरो नंबर का फैक्टर होता है, तो सबसे फर्स्ट वाले स्टेप में हम 1 से डिवाइड करके लिख देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई जब 42 की करवाएंगे सो आ जाएगा। फिर देन हम 2 के टेबल में देखते हैं कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। फिर हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। हम जब तक डिवाइड करते जाते हैं जिन जिन टेबल से, जिन जिन नंबर से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होता है। फिर अगर इनके बाद वाले नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा था तो हम वहीं पर ऐसे ही रोक देते हैं। अब यहाँ पर 1 से हो रहा था, 2 से हो रहा था, 3 से हो रहा था एंड 6 से हो रहा था। सो फिर हमने यहाँ पर सारे फैक्टर्स लिख दिए, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। समझ में आया सबके? नाउ योर बी पार्ट इज 56। तो हमने आपको बताया सभी नंबर का 1 फैक्टर होता है, सो हम यहाँ पर भी सबसे पहले 1 लिख देंगे। 56 इज इक्वल टू 1 × 56। 1 × 56 इज इक्वल टू 56 होता है। अब हम 2 के टेबल में ट्राई करेंगे, मीन्स 2 से डिवाइड करके देखेंगे 56 को। 2 से डिवाइड किया, 2 × 2 = 4, 5 − 4 = 1, 6 नोट कर लिया, 2 × 8 = 16। अब यहाँ पर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 56, तो हम लिख देंगे 56 इज इक्वल टू 2 × 28। नाउ 3 से डिवाइड करके जब हम देखेंगे, 3 से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। देन 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अब हम 4 × 1 = 4, 5 − 4 = 1, 6, 4 × 4 = 16। 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, सो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 56, सो हम लिख लेंगे 56 इज इक्वल टू 4 × 14। देन 5 से होगा? नहीं। 6 से होगा? नहीं। 7 से होगा? 7 के टेबल में आता है 56, यस, 7 × 8 = 56। सो 56 इज इक्वल टू 7 × 8। अब ये आगे किसी भी टेबल में नहीं आएगा, मीन्स किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। सो हम लिख लेंगे All the factors of 56 is, कौन कौन से हैं, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सारे ही फैक्टर्स निकालने हैं। सो हमने आपको बताया 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल राइट 96 इज इक्वल टू 1 × 96। अब हम इसका सेकंड फैक्टर निकालने के लिए इसको कहाँ से डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड 96 बाय 2। अब हम इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे कितने टाइम्स में जा रहा है, 2 × 4 = 8, 9 − 8 = 1, 6 नोट कर लेंगे, 2 × 8 = 16। कितने टाइम्स में गया, 48। मीन्स 96 डिवाइडेड बाय 2, एग्जैक्टली ये 2 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, सो इसका सेकंड फैक्टर हो गया 2। मीन्स 96 इज इक्वल टू 2 × 48। नाउ हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 6 भी आता है, मीन्स 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। सो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 32। अब हम 4 के टेबल से करके देखेंगे,
स्कोर के टेबल में भी आप ऐसे डिवाइड करके देखेंगे 96 को 4 2 8, 9 - 8 1, 6 नोट कर लिया, 4 4 16, कितने टाइम में पूरा 96 डिवाइड हो रहा है कितने टाइम में, 24 में। सो हम लिख देंगे 4 × 24। 5 के टेबल से हो सकता है, नहीं 6 के, नहीं 6 के टेबल से हो सकता है, 16 6 96 होते हैं, सो हम लिख देंगे 6 × 16। एंड देन अब किसके टेबल से हो रहा है, 8 के टेबल से, 12 8 96 होते हैं, तो हम लिख देंगे 8 × 12। 12 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अब इसके बाद हाँ आप किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 96 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होगा, सो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और इसके सारे ये सारे फैक्टर्स लिख देंगे। हैंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96 इज, कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 2 1 2 3 4, देन 6, देन 8, देन 12, 16, 24, 32, 48 एंड 96। समझ में आ गया। नाउ इसका बी पार्ट है 108। सो स्टूडेंट वी है, पहले हम 1 से डिवाइड कर लेते हैं, सो 1 से उसी नंबर से डिवाइड होता है, सो लिख लेंगे 108 इज इक्वल टू 1 × 108। देन हम 2 के टेबल से जब डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 54। देन 3 के टेबल से करेंगे तो 108 इज इक्वल टू 3 × 36। 4 के टेबल से करके देखेंगे तो हमारा आएगा 4 × 27। 5 के टेबल से नहीं होगा डिवाइड, फिर 6 से डिवाइड करेंगे सो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 6 × 18। एंड देन 7 से करके देखेंगे, फिर 8 से करेंगे, इक्वली डिवाइड नहीं होगा। देन हम 9 से जब करेंगे तो 12 9 होते हैं 108, तो हम लिख लेंगे 108 इज इक्वल टू 9 × 12। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 4 6 9 108 54 36 27 18 एंड 12। ये सारे ही फैक्टर्स हमारे 108 के हैं। समझ में आ गया कैसे निकालने हैं। जब भी आपको फैक्टर्स, मैंने समझा दिए फैक्टर्स होते क्या हैं, जब भी आपको कहीं भी क्वेश्चन आएगा कि आपको ऑल द फैक्टर्स निकालने हैं, तो ऑल द फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा, देन हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से 4 से सारे नंबर से हम 1 by 1 डिवाइड करते जाएंगे, जिन जिन नंबर से वो पूरा इक्वली डिवाइड हो जाएगा सो वही उसके फैक्टर्स होंगे और वो हम लिख लेंगे। सबके समझ में आ गया। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 इज, चेक बाई डिवीज़न मेथड वेदर 6 इज अ फैक्टर ऑफ 1296। कह रहे हैं डिवीज़न मेथड से चेक करके बताइए कि 6 1296 का फैक्टर है। जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस नंबर को पूछा जाए कि ये नंबर इस नंबर का फैक्टर है, सो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस नंबर से इसको डिवाइड करके देखते हैं। सो नाउ लेट अस डिवाइड 1296 by 6। हम 1296 को 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें पूछा गया है कि 6 का फैक्टर है या नहीं है, सो हम डिवाइड करके देखेंगे, 6 2 12। नाउ 9 नोट कर लेंगे, 6 1 6, 9 - 6 3, ऊपर से 6 नोट किया, 6 6 36। यू कैन सी स्टूडेंट क्लियरली 6 डिवाइड 1296 एग्जैक्टली, या ये 6 जो है 1296 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, सो इट मीन्स 6 इज अ फैक्टर ऑफ 260। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पूछा गया था कि 6 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हमने कैसे देखना है, हमें इस नंबर को इससे डिवाइड करके देखना है, अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर है, और अगर ये इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, सो इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है। समझ में आया। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़,
show that 25 is not a factor of 245. यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 245 का 25 फैक्टर नहीं है. सो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे. लेट अस डिवाइड 245 बाय 25. जब हम यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे तो 25 नाइन्ज़ा होते हैं 225. यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचा 22. इट मीन्स यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच रहा है. तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा. हमने आपको बताया है जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होता है. सो हम लिख लेंगे 245 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 25, हैंस 25 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 205. ओके स्टूडेंट, हमने कुछ नहीं करना है, हमने डिवाइड किया. अगर वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो हम लिख लेंगे कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है उससे और वो उसका फैक्टर नहीं है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? योर क्वेश्चन नंबर 13 इज़ फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 12. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 एंड 12 का HCF निकालना है. सो आप लोग तो यहाँ पर शुरू हो रहे होंगे कि ये HCF होता क्या है, वॉट इज़ HCF? सो स्टूडेंट्स, वॉट इज़ HCF? द फुल फॉर्म ऑफ HCF इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या होता है HCF? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. द HCF ऑफ सब गिवन नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ वन ऑफ देम एग्जैक्टली. जो वो किसी भी टू नंबर्स का जो लार्जेस्ट नंबर होता है जिससे वो दोनों ही नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हों वो उसका HCF कहलाता है, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके स्टूडेंट, जब हम जो हमें नंबर दे रखे हैं उनके जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उन दोनों ही नंबर्स में जो कॉमन सबसे हाईएस्ट फैक्टर होता है वही उन दोनों नंबर्स का HCF होता है. सो हेयर आपको 8 एंड 12 के फैक्टर्स निकालने, मीन्स 8 एंड 12 का HCF निकालना. तो HCF निकालने से पहले हमें इसके फैक्टर्स देखने होंगे, तभी तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. सो फर्स्टली हम 8 के फैक्टर्स करेंगे. 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 8 एंड 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4. 8 के फैक्टर्स ये हो गए, फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड देन 8. नाउ हम 12 के फैक्टर्स करेंगे. 12 इज इक्वल टू 1 इंटू 12. 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6. 2, 6 are 12. 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4. ये तीनों ही फैक्टर्स जो हैं ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. अब हमने क्या किया, यहाँ पर 8 के भी सारे फैक्टर्स निकाल लिए एंड 12 के भी सारे फैक्टर्स निकाल लिए. हमें निकालना क्या है, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हम दोनों में देखेंगे कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं. 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, ये 3 नंबर्स कॉमन है. 1, 2, 4. बाकी के और नंबर्स जो हैं दोनों में नहीं हैं. अब इन तीनों ही नंबर्स में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. 1, 2, 4 यहाँ भी हैं 1, 2, 4, यहाँ पर भी 1, 2, 4. तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा है इनमें, 1, 2, 4 में सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, 4. यहाँ भी 4. सो हम लिख लेंगे HCF इज इक्वल टू 4. आंसर, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा था हमारा, 4. नाउ स्टूडेंट बी पार्ट इज 16 एंड 24. आपको 16 एंड 24 का HCF निकालना है. तो सबसे पहले हम फैक्टर्स कर लेंगे. 16 के फैक्टर्स करेंगे तो 16 के फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 16. 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8. 2 8 ज़ा 16 एंड थर्ड इज 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, मीन्स 4 4 ज़ा 16. तो स्टूडेंट फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 4, 8, 16. ये सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए. नाउ हम 24 के फैक्टर्स करेंगे तो 24 के फैक्टर्स आएंगे हमारे 1 इंटू 24. 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 12. 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 एंड 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6. मीन्स फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. अभी यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लिए. अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है. HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इसमें हम देखेंगे पहले कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. 1 भी है, 2 भी है, 3 यहाँ है वहाँ नहीं है, 4 भी है, 8 भी है,
16 यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो दोनों में ही है, 8 इज़ द हाईएस्ट फैक्टर। सो हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 24 आर, सबसे पहले हम इनके कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे 1, 2, 4, 8। ये 4 जो फैक्टर्स हैं ये इन दोनों में ही कॉमन है। अब यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, 8 है। सो हम लिख लेंगे हैंस द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 इज़ 8। ओके स्टूडेंट, समझ में आया एचसीएफ कैसे निकालते हैं? कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, हमने आपको समझा दिया। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हमें 2 नंबर्स दे रखे होते हैं, हम उन दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाए हैं कैसे करते हैं, डिवाइड करके फैक्टर्स निकालते हैं। फिर हम दोनों ही नंबर के फैक्टर्स निकालने के बाद हम दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो लिख लेते हैं। उन कॉमन फैक्टर्स लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होता है वो हम लिख लेते हैं। समझ में आ गया सबके?